नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल, मींस मेक योर सेल्फ यूनिक। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम कॉन्फिडेंस ला सकें कि हम इंटरव्यू को क्रैक कर लेंगे। कई लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एजुकेशन पूरा किया है, एजुकेशन पूरा करने के बाद भी जब वो इंटरव्यू के लिए सोचते हैं कि मैं इंटरव्यू देने जाऊँ तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस न आने का सबसे बड़ा रीजन आज मैं आपको बताता हूँ, और वो रीजन खत्म कैसे किया जाता है, वो आप कॉन्फिडेंस को ला कैसे सकते हो, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपके सामने ये डायग्राम आ रहा है। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में बुक्स तो ढेर सारी है, लेकिन कोई बुक इधर रखी हुई है, कोई बुक उधर रखी हुई है, कोई बुक इधर रखी हुई है। बुक जो है वो सही तरीके से अरेंजिंग ऑर्डर में नहीं है। बट इसके साथ आप देखिए, दूसरी इमेज आप देखिए, इसमें सारा का सारा जो बुक है वो एक रो में लगा हुआ है, एक कॉलम में लगा हुआ है, प्रॉपर एक वे में है। यही होता है हमारे नॉलेज के साथ। हमने इंजीनियरिंग की, बहुत कुछ सीखा। ये आप नहीं कह सकते कि मुझे कुछ भी नहीं आता सिविल इंजीनियरिंग में, या मुझे कुछ भी नहीं आता मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या किसी भी डोमेन में। आपको बहुत कुछ आता है, आप बस याद नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या क्या चीजें आती है। तो ये चीज मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया था। जब मैं निकला कॉलेज से बाहर, तो जब मैं इंटरव्यू के लिए जाने की सोचा तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मैं क्या चीजें करूं कि मुझे जॉब मिल जाए। कई जगहों पे 40-50 इंटरव्यू होने के बाद, जब एकदम थक चुका था, पैसे खत्म हो चुके थे, तो मुझे लगा कि अब तो कुछ मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ अपने दिमाग में रखना पड़ेगा जिससे मैं इंटरव्यू को क्रैक कर पाऊं। दोस्तों, फिर मैं बैठा शांति से रूम में, और जो मैंने किया आज वही मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। और मुझे लगता है अगर आप ये करेंगे, मैं ये नहीं कहता आप यही करो, ऐसा ही कुछ अगर आप करेंगे, जो भी आपके दिमाग में आए, ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं बोलूं आप वही करो, प्लीज मत करो, वो वैसा ही कुछ करो। अगर आपको लगता है कि मैं वैसा कुछ नहीं सोच पा रहा हूं, तो अब ये करना। दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने 3 पेजेस बनाए। एक पेज पे लिखा कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। आप सोचते होंगे कि यार ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं, बिल्कुल गलत है। आप सबको कुछ न कुछ अच्छे तरीके से आता है। तो जो तुमको बहुत ही अच्छे से आ रहा है उसको पेज नंबर 1 पे लिख डालो। ये मान लो, अभी जैसे मैं अगर सिविल इंजीनियरिंग का एग्जांपल लूं, तो मान लो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बीएमसी आता है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंक्रीट आता है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है फ्लूइड मैकेनिक्स आ रहा हो। कुछ लोगों के बैग लगे होंगे तो उस सब्जेक्ट को 2-3 बार पढ़ा होगा, उसमें बहुत ढेर सारे नॉलेज आपको मिले होंगे। वो भी आपकी एक स्किल है कि आपने जब 2-3 बार पढ़ा, तो 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको वो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आई होंगी। ऐसी जो जो चीजें हैं, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा सोम आपको आता है। सोम में कुछ 2-3 टॉपिक्स आपने बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, वो टॉपिक्स आप यहाँ पे लिख डालो। ये स्किल है मेरे अंदर। लगभग लगभग जब मैंने चेक किया तो मुझे 50-60 टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहे थे। और ये सबको आता है, क्यों? क्योंकि 48 पेपर्स आपने भी निकाले हैं, मैंने भी निकाले हैं, और जो आने वाले इंजीनियर हैं वो भी निकालेंगे। इसका मतलब आपको आ बहुत कुछ रहा था, जिसमें से बस आपका माइंड नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा था कि मुझे क्या क्या चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। तो मेरा पेज नंबर 1 कंप्लीट हुआ। फिर दोस्तों, मैंने स्टार्ट किया पेज नंबर 2, मींस लिस्ट नंबर 2। हमने दूसरी लिस्ट बनानी स्टार्ट किया। उस लिस्ट में मैंने लिखा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे आती तो हैं, बट मैं थोड़ा थोड़ा अगर ब्रशअप करूंगा तभी मुझे अच्छे से आएंगी। तो उसमें मेरे पास डिफ्लेक्शन निकालने का मेथड था, बीबीएस निकालने के, बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के मेथड थे, मैनुअल डिजाइनिंग थे, ऐसे बहुत ही ढेर सारे टॉपिक्स थे जो मुझे लगता था कि मुझे आता तो है, मैंने एग्जाम के लिए तैयार तो किया था, बट अभी मैं भूल चुका हूं। फिर मैंने वहां पे वो टॉपिक्स लिखना स्टार्ट किए, और स्टार्ट करके फिर मैं स्टार्ट किया पेज नंबर 3। और पेज नंबर 3 में मैंने लिखा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए, बट वो मेरे इन दोनों लिस्ट में नहीं है, मतलब मुझे नहीं आती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन कौन सी चीजें हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल गलत है आप।
आप naukri.com पे जाते हैं, इंडीड पे जाते हैं, वहां पे जीडी लिखी रहती है, जॉब डिस्क्रिप्शन, वही तो है आपका सब कुछ। उसे जॉब डिस्क्रिप्शन में देखिए ऐसी कौन से पॉइंट है जो आपके लिस्ट नंबर वन और लिस्ट नंबर टू पे नहीं है। जो नहीं है वही पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको लिखिए पेज नंबर थ्री में। पेज नंबर थ्री में ये लिखिए कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुझे बिल्कुल नहीं आता है। तो जब मैंने इन तीनों टॉपिक्स को, तीनों पेजेस को मिला लिया, तीनों लिस्ट को मिला लिया, फिर मैंने फिर से रिविजन किया लिस्ट नंबर वन को। और बहुत ही अच्छे तरीके से जब आप पढ़ाई करोगे लिस्ट नंबर वन को, तो जो चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं वो एकदम हार्ड हो जाएंगी आपके साथ। कहीं पे भी आप जाओगे उन टॉपिक्स के बारे में बोल पाओगे। दिक्कत क्या होती है, आप सिविल इंजीनियर हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, अभी अभी आप बैठे हो, मैं आपसे बोलूं आप वीडियो को पॉज करो और सोचो कि आप कितने घंटे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, कितने घंटे किसी भी डोमेन के बारे में आप बात कर सकते हो, कितने घंटे उसके बारे में बोल सकते हो। नीचे कमेंट में मुझे बताना कि सर 2 घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, कितने मिनट आप बता सकते हो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, मैं देखना चाहूंगा। उसके बाद लिस्ट नंबर, मैंने फर्स्ट को स्टार्ट किया, फर्स्ट को अच्छे से पढ़ा, फिर नंबर टू को मैंने 1 हफ्ते दिए। जो टॉपिक्स मुझे आते थे, बस थोड़े से रिवीजन करने थे, मैंने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश किया, मेरे पास वो स्किल भी आ गया। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया पेज नंबर थ्री, जो कि लिस्ट नंबर थ्री था, जिसके मुझे एक भी टॉपिक्स नहीं आते थे। उसके लिए लगभग मुझे 15 दिन लगे, 15 डेज में वो नए नए जो टॉपिक्स थे जो मैंने कभी सुना नहीं था, रिटेनिंग वॉल की डिजाइनिंग, सीयर वॉल के टाइप्स, ऐसे बहुत सी चीजें थी जो मैंने वहां पे लिखा और उनको एक एक करके तैयार किया। उसमें सॉफ्टवेयर भी ऐड था, ऑटोकैड, रैबिट, स्टैट प्रो, जो जो सॉफ्टवेयर मुझे उस टाइम पे आते थे, उस टाइम पे मुझे 2-3 सॉफ्टवेयर ही आते थे, तो उनको मैंने बहुत अच्छे से करने की कोशिश किया, जिससे कि मैं उसमें अपना 100% देने की कोशिश करूं। 60, 70, 80 तो आप दे ही लोगे। फिर दोस्तों जब मैंने लिस्ट नंबर 1, 2, 3 को तैयार किया, इसके बाद मेरे पास अपने आप कॉन्फिडेंस आ गया। अभी मैंने बोला था ना, आप बोलोगे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में 2 घंटे के बाद चुप हो जाओगे, 2 घंटे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो जब मेरे पास ये स्किल आ गया ना, तो मुझे लगा वाह यार, ये तो मुझे आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, हर एक जीडी का हर एक चीज तो आ रहा है मुझे। फिर मैंने इंटरव्यू दिया। हाँ, वो बात की बात है, उस टाइम पे मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, तो मुझे 3 से 4 इंटरव्यू लगे, 5वें इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हुआ। तो आज मेरा मन किया कि जो मैंने किया, शायद अगर आप भी फॉलो करो, ऐसा नहीं कहता कि आपको यही फॉलो करना है, कुछ इसी तरीके का अपना रूल बना लोगे अगर, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज मुझे अगर कोई बोलेगा कि व्हाई शुड आई हायर यू, तो आई कैन टेल देम कि आई हैव अ दिस 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 स्किल। ये जो मैंने लिस्ट नंबर 1 निकाला, लिस्ट नंबर 2 निकाला और लिस्ट नंबर 3 निकाला ना, ये मेरे स्किल है। मैं उनको बोल सकता हूं कि मेरे पास ये स्किल है, मैं इस स्किल का पैसा लूंगा। सामने वाला सोचेगा और समझेगा, हाँ यार, ये बंदा मैनुअल डिजाइन कर सकता है, ये बंदा सॉफ्टवेयर पे डिजाइन कर सकता है, ईटैब, स्टैट प्रो, ऑटोकैड, क्या है ये, मेरी स्किल है। तो मुझे पैसा किसका मिलेगा, ये स्किल का। भाई आपने भी ऑटोकैड सीखा है, आपने भी स्टैट प्रो सीखा है, लेकिन उसके स्किल लेवल पे लेके नहीं गए हो। तो आप एक एक लिस्ट बनाओ और एक एक को स्किल लेवल पे ले जाके एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करो खुद को, कि अगर कोई सब प्रोजेक्ट पे आपको एक प्रोजेक्ट दे दे उस सॉफ्टवेयर पे, तो आप उसको प्रॉपर करके दे सको। आपको अगर सीयर फोर्स निकालने को दे सके, तो हर टाइप के बीम्स के आप सीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाल सको। आपको कोई बीम दे दे, उसे प्रॉपर डिजाइन करके दे सको। ऐसा एक स्किल बनाओ, लिस्ट बनाओ, और मुझे लगता है अगर आप ये मेथड को फॉलो करोगे, या ऐसा कुछ मेथड आप बना के फॉलो करोगे, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस से आप बड़ा से बड़ा एमएनसी, यार एमएनसी की मैं बात कर रहा हूं, आप एमएनसी के अच्छे अच्छे इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं जिसमें आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा पता हो और वो बंदा आपको हायर ना करे। हो सकता है सैलरी के लिए एक दो ना हायर करे, पर तीसरा जरूर हायर करेगा। एक बार आप बिलीव करो खुद में कि हाँ, मुझे इतनी चीज आती है, इतनी चीजें थोड़ी आती है और इतनी चीजें नहीं आती है, बट हम इन तीनों लिस्ट को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे और वो स्किल लेके हम किसी इंटरव्यू में जाएंगे, क्रैक करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप चाहते हो कि मैं ऐसे आपसे और भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, किसी प्रोजेक्ट में मुझे क्या प्रॉब्लम आई वो शेयर करूं, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और यार, इसको बहुत अच्छा आप लोग देख रहे हो,
बहुत अच्छा आप लोग शेयर भी कर रहे हो, थोड़ा सा और जो नए लोग हैं प्लीज आप भी शेयर करो, जिससे मैं कंटिन्यू आपके साथ बना रहा हूँ। मैं डेली कोशिश करता हूँ एक वीडियो लाने की, हमारी टीम पूरे दिन इस पे काम करती है, एडिट करती है, कितना मेहनत होता है आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप एक बार इसको शेयर कर दोगे तो शायद वो मेहनत हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोगों ने अभी अभी एक व्लॉग चैनल भी स्टार्ट किया है दर्पण, आपने देखा होगा, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप नीचे कमेंट में अपना नंबर दे सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ सकते हो, और आपको जो वहां पे क्वेश्चन आंसर करना हो आप क्वेश्चन करोगे, वहां पे कई लोग होते हैं आंसर देने के लिए, वो सारे लोग आंसर करेंगे। तो हमें इस काम को बहुत बड़ा बनाना है, इतना इंजीनियरिंग के अंदर जाना है, इतने डीप स्टडी करना है कि कोई हमें जॉब न देने से पहले सोचे यार मेरा लॉस हो जाएगा, अगर ये बंदा मेरी कंपनी में रहेगा तो बहुत प्रॉफिट होगा। यही सोच के साथ इसके वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।